हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम बात करेंगे वर्ड फॉर्मेशन की। वर्ड फॉर्मेशन यानी वर्ड्स को किस तरह से बनाया जाता है, ये MAG 4 का सिलेबस में भी आता है और आपका नेट वगैरह टेस्ट में भी आते हैं। फर्स्ट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग वर्ड फॉर्मेशन वो होता है जिसमें हम दो से ज़्यादा लेक्सिम्स को कंबाइन करके बनाते हैं, जैसे व्हेन टू और मोर लेक्सिम्स कंबाइन इनटू अ सिंगल वर्ड। जैसे कि नोट और बुक, हम दोनों वर्ड को प्लस करके एक वर्ड बना देते हैं, नोट बुक। इसी तरह से ब्लूबेरी, ब्लू प्लस बेरी एक वर्ड बना बन गया, इससे ब्लूबेरी। सेकंड हमारा आता है डेरिवेशन। डेरिवेशन वर्ड्स तब बनाए जाते हैं जब हम किसी वर्ड में अफिक्स जोड़ते हैं, यानी सफिक्स या प्रीफिक्स, इनमें से कोई भी जोड़ के एक नया वर्ड बना दिया जाता है। जैसे कि होपफुल, होप प्लस फुल, तो इसका तो आपका बन गया होपफुल। इसी तरह से आपका बैक फॉर्मेशन से बनता है। बैक फॉर्मेशन जेल फ्रॉम जेली। बैक फॉर्मेशन में हम किसी बड़े सेंटेंस से छोटा सेंटेंस जब बना देते हैं वो होता है बैक फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्जन। फीचर, फीचर पिक्चर। कन्वर्जन सेंटेंस में हम एक वर्ड को दो जगह यूज़ कर सकते हैं अलग मीनिंग के लिए। जैसे कि फीचर का मतलब नाक नक्श होता है, हम किसी के लिए यूज़ करते हैं उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। और फीचर पिक्चर, फीचर पिक्चर अलग होती है। तो इस तरह से हम एक वर्ड को जब दो टाइप्स में यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है कन्वर्जन। नेक्स्ट आपका आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग जब हम दो अलग अलग सेंटेंस से उसमें से थोड़ा थोड़ा वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं उसे ब्लेंडिंग बोलते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब आप सभी जानते हो कि जोड़ना, मिलाना। तो जैसे कि फ्लॉन्ट वर्ड है, ये बना है आपका फ्लाउट जमा वाउंट, तो इस दोनों वर्ड से एक बन गया फ्लाउंट। इसी तरह से स्मोक फॉग, स्मोक जमा फॉग, इससे आपका वर्ड बना स्मोग। नेक्स्ट आता ऑथर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे एम्ब्लेजिंग, डायमेंशनलेस, रेडियंस, ये सभी आए हैं हमारे। और 19th century में सर स्कॉट्समैन, थॉमस कैरल, इन सभी ने जो ओल्ड वर्ड थे वो रिवाइवल किए, यानी कि दोबारा यूज़ करने शुरू कर दिए थे, जिससे वो यूज़ में आ गए। नेक्स्ट आपका था 20th century में जेम्स जॉयस ने यूज़ किया था। विक्टोरियन पीरियड में टेनिसन से ने यूज़ किए थे और नए नए वर्ड्स इन्वेंट किए थे। और 16th century में थॉमस मोर, जॉन लाइल, रॉबर्ट ग्रीन और आपका थॉमस ब्राउन, इन सभी ने यूज़ किया था। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन और हो तो कमेंट करना।